अस्सलाम वालेकुम चल मेरे प्यारे दोस्त दोस्त, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दाब, देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्त अगर आप अपने चैनल पर घूमने वाला लोगो बनाना चाहते हैं, जो आप देखते हैं कि किसी न्यूज़ चैनल पर एक लोगो गोल गोल घूम रहा होता है, अगर वो आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में बना के दिखा दो कि कैसे वो बनता है और कैसे उसको बनाना है। सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि हम अपनी बात को करते हैं आगे शुरू और चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, और चलते सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम करते हैं अपने काइन मास्टर को ओपन। जो हमारा काइन मास्टर है, जो आपको मीडिया नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं, फिर मैक पर क्लिक करते हैं, फिर इसके ऊपर करते हैं हम कलर देते हैं इसको। इसको हम कलर देके इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगे। इसका हमने स्क्रीन शॉट ले लिया, फिर हम जाएंगे अपना सीधा गैलरी पर, और गैलरी पर जाके हम क्या करते हैं, वो जो हमने स्क्रीन का एक स्क्रीन शॉट लिया था उसको इधर करें क्रॉप। एडिट पे जाकर करते हैं इसको क्रॉप, इसको छोटा करेंगे साइज़ इसका। ये हमारा साइज़ छोटा हो रहा है, इसका हमने साइज़ छोटा करके क्या करना है, फिर इसको हमने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। इसका साइज़ छोटा करके फिर आपने क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेंगे। ये हमारा सेव हो गया साइज, इसका जो है ना छोटा हो गया। फिर दोबारा हम चलते हैं काइन मास्टर पर, इसके ऊपर वन बाय वन पर क्लिक करते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर जाते हैं मीडिया पर, फिर जाते हैं मैक पर, और फिर जाते हैं इसको करते हैं इधर, और मीडिया पर जाएंगे, लेयर पर जाकर मीडिया पर जाएंगे। इसके बाद हमें और पिक्चर उठानी है, फिर इसको इसके बराबर करना है। इसके बाद इसमें हमको क्या करना है, कलर देना है, जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर देना है। मैंने तो लाल दे दिया। इसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे लेयर पर, लेयर पर जाकर फिर मीडिया पर जाएंगे, मीडिया के बाद फिर इमेज पर जाएंगे, बैकग्राउंड तब्दील करना है। फिर हम इसको जो है ना दूसरे करना है, इसको क्या करना है, हमने इसके बराबर करके इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके मैं आपको बताता हूँ, कलर देना है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करके इसको मैं आपको बताऊँ कैसे ये इसका साइज़ होगा। इसी पट्टी को थोड़ा ऐसे ही छोटा कर लेना है ऐसे। फिर इसमें आपने क्या करना है, कोई अच्छा सा रंग दे देना, कलर जो कलर आपको अच्छा लगे वही देना इसमें। इसका साइज इसके बराबर कर लेना है ताकि अच्छा लगे। फिर दोबारा चलते हैं हम अपने, इसको कलर दे दिया, और फिर दोबारा चलेंगे हम लेयर पर। इसका कलर ये अच्छा बेस्ट लग रहा है। फिर दोबारा हम जाते हैं लेयर पर और मीडिया पर कलर करते हैं। इसके बाद फिर बैकग्राउंड तब्दील करेंगे, और ये इसको ऊपर से इसी के बराबर रख लेना है। फिर जाते हैं दोबारा क्रॉप पर, क्रॉप पर जाकर हमने क्या करना है, इसका साइज़ ऐसे रख लेना है। इसका साइज़ बनाकर ताकि अच्छा लगे। फिर इसके बाद हमने इसमें देना है क्या, इसमें हम देंगे कोई अच्छा सा कलर देंगे इसमें, थोड़ा सा इसका थोड़ा वो आ रहा था, छोटा हो रहा था, इसको पूरी मकदार पर रखेंगे। और इसके बाद हम इसमें क्या देंगे, कोई अच्छा सा कलर रखेंगे जिससे हमारा लोगो अच्छा लगे। ये थोड़ा सही देना, थोड़ा मसला बन जाता है ना। इसके ऊपर हम आप देंगे कलर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वही कलर देना है। मैं तो वैसे ही बना रहा था। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम जाएंगे फिर दोबारा लेयर पर, अच्छा कलर ढूंढ रहे हैं। इसी को कलर देकर फिर दोबारा जाएंगे हम लेयर पर, लेयर पर जाकर
टैक्स पर जाएंगे और टैक्स पे अपना जो आप कहते हैं जो भी नाम है भाई हम इधर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अपने नाम से लिख रहा हूँ, मिसाल के मैं वैसे ही बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, उन्हीं के साइज के मुताबिक रखना है नाम को। फिर आपने जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे वही इसमें आपने रखना है, ताकि ये जो है ना लफ्ज़ आपको थोड़े मोटे नज़र आए, ये अच्छा नहीं है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं वो कैसा है, ये को चेक कर लेते हैं जिससे हमको अच्छा लगे, ये भी अच्छा नहीं है, इसको भी हम नहीं चूज़ करते, और दूसरा ढूंढते हैं इसके पास। ये भी साइज के मुताबिक नहीं आ रहा, इसको भी नहीं लगाते, और कोई देखते हैं जैसा आपको अच्छा लगे वही आपने रखना है, मैं तो वैसे ही बना रहा हूँ। हाँ ये आप साइज के बराबर आ गया, हम रखते हैं इसको, आपकी मर्ज़ी आप जैसे रखें उसी के मुताबिक, लोगों के मुताबिक, क्योंकि लोगों से बड़ा ना हो, फिर इसमें हम अपना जो है ना रंग डालते हैं, कलर डालते हैं, ये अच्छे से कलर देंगे, फिर दोबारा टैक्स पर जाएंगे और दूसरा जो नाम है वही लिखना है। फिर इसके बाद हम दूसरा नाम लिखते हैं और उसको भी नीचे से थोड़ा बड़ा करेंगे, इस साइज के मुताबिक रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम वही साइज देंगे जो इसमें पूरा आएगा, ये पूरा नहीं आ रहा, इसको नहीं दे, ये साइज तो अच्छा आ गया। फिर ये इसमें हम देंगे कलर कोई अच्छा था, जो भी आपको अच्छा लगे वही देना है अपना। इससे आपका लोगो खूबसूरत और अच्छा नज़र आए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर दोबारा चलते हैं हम गैलरी पर, गैलरी पर जाएंगे, इसी का क्रॉप करेंगे, इसी को इसी साइज के मुताबिक रखेंगे, छोटा करेंगे इसी साइज के मुताबिक रखेंगे। ये देखो आप इसको इसके साइज के क्या करना है, बराबर रखना है, जितना इसका साइज हो उसी के इसको बराबर रखना है। हमने इसका क्रॉप कर लिया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसी को क्रॉप करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, सेव कर लेना है। ये हमने सेव कर लिया, फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है, लाइव वॉलपेपर, फ़ोटो क्यूब लाइव वॉलपेपर, वही प्ले स्टोर पर जाकर आपने वही डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसी को ओपन कर लेना है, इसके बाद स्टार्ट कर लेना है आपने। स्टार्ट करके आपने क्या करना है, सीधा सेटिंग पर चला जाना है, और सेटिंग पर जाकर आपने क्या करना है, करना पहले वाले को मीडियम कर देना है, और दूसरे वाले को स्पेन में रख लेना है, और तीसरे वाले को नो कर। फिर आपने क्या करना है, सीधा थोड़ा वक्फा आ गया नाम। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको सेलेक्ट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने जो वो स्क्रीन शॉट लगाई थी अपने नाम की, वही इसमें सेव कर लेंगे, इसको बराबर करके, इसके बराबर जितना साइज हो इसका, ऐसे बराबर करके इसका इधर डन कर लेना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा जाना है पीछे, चेंज फोटो पर चले जाना है, आपको ये नीचे से नज़र चेंज फोटो, फिर इधर आना है, इधर से आपने वो जो स्क्रीन शॉट लगाए थे अपने नाम जिसके ऊपर आपने नाम लिखा था, यही छह फ़ोटो इधर पिक कर लेनी है। ये जो आपको छह गोल डब्बे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के ऊपर आपने छह फ़ोटो क्या करना है, पिक कर लेना है, जैसे ये मैं आप कर रहा हूँ उसी साइज़ के मुताबिक आपने रखना है, बिल्कुल उसी साइज़ के मुताबिक जैसे मैं कर रहा हूँ, ये दो हो गए, ऐसे ऐसे आपने कर लेना है।
ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर इसको आपने क्या कर लेना है, सीधा लाइव से वॉलपेपर पर चला जाना है। देखो ये इधर से आप लोगों को घूमना लग गया है। फिर आपने क्या करना है, इसको आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर वाला पुर्जा होगा, उसी के ज़रिए आपने इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप चाहे उतना आपने इसी को सेव कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं सीधा कैन मास्टर पर। कैन मास्टर हमारा ओपन हो गया। इसके बाद करते हैं 16 पैनों को क्लिक और इसके बाद जाते हैं सीधा मीडिया पर। इधर से कोई गाना बैकग्राउंड तब्दील करते हैं इसको कलर। इसके बाद इसको कलर देना है, सब्ज वाला कलर देते हैं इसको। फिर इसके बाद जाते हैं हम लेयर पर और इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई सी भी जो जो हमने उसका बैकग्राउंड लिया था, जिसका जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था, वो उसी वीडियो कर लेते हैं इधर सेलेक्ट और उसी को क्या करते हैं, उसी का बैकग्राउंड बनाते हैं उसी लोगों का। ये देखो इधर से आपको घूमने वाला नज़र आ रहा है, ये कैसे घूम रहा है। फिर हमने क्या करना है, ये जो आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं लोगों, इन्हीं में से हमने क्या करना है, इन्हीं में से एक को रखना है सिर्फ। ये जो बाकी ना सबको क्या करना है, क्रॉप कर लेना है, सिर्फ एक को रखना है इसमें। हम करते हैं इसको क्रॉप, सिर्फ एक को बचाना है, सिर्फ एक को, बस छोटा सा रखना है। ये देखो फिर इसको चलाते हैं, वो आपको नज़र आ रहा है वो इधर घूम रहा है। फिर इसके बाद हमने क्या कर लेना है, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेना है। इसका थोड़ा सा क्या कर लेना है बड़ा, ये देखो आप घूमने लग गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर इसको कर लेते हैं सेव। जब सेव हो रहा है इसको फिर चलाते हैं, ये देखो ये अब घूमने लग गया है। और क्या करना है हम आपको बता देंगे, इसको वीडियो में सेलेक्ट कैसे करना है, कि अपने वीडियो पर लगाना कैसे है इसको, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाना है। इधर कैन मास्टर पर जाते हैं और फिर वो जो हमने कोई सी वीडियो इधर सेंड कर लेते हैं, जो भी वीडियो मैं साल पर मैं यही वीडियो लगा रहा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट करके फिर इसको हम क्या करेंगे थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे इसको डिलीट और इसके बाद मीडिया पर जाएंगे और बैकग्राउंड देंगे, थोड़ा बैकग्राउंड का कलर सॉल्व कर लेंगे, उसी के मुताबिक रखेंगे जितना साइज होगा वीडियो का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे वो जो हमारा गो, फिर आपने क्या करना है मीडिया पर जाकर वो जो हमने घूमने वाला लोगो बनाया है फिर उसी को करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, तो अच्छा सा साइज रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोम पर जाएंगे, इसका बैकग्राउंड तब्दील करेंगे। देखो इसका बैकग्राउंड अब ये देखो आप घूमने लग गया है। ये देखो आप घूमने लग गया है, इसका हमने पहले बैकग्राउंड तब्दील किया। जितने मिनट का जितने सेकंड आपके मर्जी है, 1 मिनट का बना लो, सेकंड का बना लो, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, ऐसे ही आपने बनाना है। मैंने तकरीबन 10-15 सेकंड का बनाया है, उसी साइज के मुताबिक ये चलेगा, जितने सेकंड इसकी कि वीडियो की उतने सेकंड ये चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा।